हाय नमस्कार, मेरा नाम दिनेश है और आप देख रहे हैं टॉक्सिया ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपके लिए एक इतनी खतरनाक ऐप लेके आया हूँ जो फोटो एडिटिंग से रिलेटेड। दोस्तों, आप कंप्यूटर के अंदर जो भी मतलब फोटो में जो कुछ करना चाहते हो वो सारा का सारा आप इस ऐप के जरिए कर सकते हो। बहुत ही खतरनाक ऐप है दोस्तों, डेवलपर ने बहुत ही जी जान से इस ऐप को बनाया। कंप्यूटर को भी आप यूज नहीं करोगे, फोटोशॉप से भी ईजी इसके अंदर टूल है। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या होता है, कुछ इसके जो मेन पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। एक तो आपके चेहरे पर जो भी दाग धब्बे होते हैं वो एकदम क्लियर स्मूथ कर देता है। जो भी चेहरे पर लाइट नहीं होती है, आपकी ब्लैकिंग वाइट किसी भी फोटो होती है बगैर कलर की मोबाइल से खींची हुई, तो उसको भी वो कलर ग्रेड कर देता है। ड्रेसों का चेंज कलर कर देता है, आपके जो आईब्रो का कलर कर देता है, काजल, लिपस्टिक, आई हुई जितने सारे के सारे होते हैं वो इजिली आप कर सकते हो। फोटोशॉप में तो आपको अलग अलग टूलों में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, इसमें सिंपल स्टेप है, आप वन क्लिक में हर चीज ऑटोमेटिक कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर एयरब्रश टाइप करके सिंपल इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन मिलेंगे, चाहो तो अपनी फोटो कैमरे से क्लिक कर सकते हो, नहीं तो अपने फ़ोन में जो खींची हुई फोटो है वो लाइब्रेरी पर आकर जो भी फोटो लेनी है उसके ऊपर सिंपल आपको क्लिक कर देना है। हमारे पास ये फोटो आ चुकी है, तो इसमें फर्स्ट जो मैजिक का टूल दिखाई दे रहा है इस पर सिंपल आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो फोटो यहाँ पर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुकी है। जैसे जैसे करना है, इसकी अगर मैनुअल सेटिंग करनी है तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास ये एक तरह की लाइन जो आ जाएगी, जितना सेट करना है उतना सेट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद में हम फिर वापस कर देते हैं इसके ऊपर और आगे हमारे को मिलता है फेस का। तो यहाँ से आपको जो फेस की क्लियरिटी जितना चाहिए, मोटा पतला उतना, ये देखो आपको फोटो दिखाई दे रही है, इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर है थोड़ी जो मतलब देखो ये लंबी हो गई है, यहाँ से देखो छोटी हो रही है, तो आपको जैसे जैसे करना है वैसे आप कर सकते हो। नॉइज नाक को, यहाँ से नाक को पतला करना है या मोटा हो रहा है तो यहाँ से आप कम बत्ती, जैसे आपको एडजस्ट रखना इस फोटो का वैसे रख सकते हो। ये लिप्स आप अब होठों की तरफ देखना, तो अभी देखो ये होठ एकदम मोटे होते जा रहे हैं, अभी देखो एकदम पतले होते जा रहे हैं। तो ये फोटो के जैसे जैसे पार्ट्स होते हैं वैसे वैसे ये काम करता है। ये है लाइन्स का, जो चेहरे के ऊपर दाब धगे जो होते हैं वो हटा सकते हो। देखो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये ऐसे ऐसे चित्र दाग से ये ऐसे करते हैं सब कुछ हट जाते हैं। ये डायरेक्ट आँख, अब आई पर आप देखना चेहरों की जो आँखों के नीचे की तरफ, अभी देखो ये इस तरीके से ये एडजस्ट हो जाते हैं। उसके बाद में आपको देखो नाक के जो आँखों के नाकों के बीच में जो छाया सी होती है वो देखो अब इस तरीके से है, और अभी देखो ये इस तरीके से, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ये आई अब आँखों की तरफ देखना, आँख अभी रेड है, अभी देखो ये ब्लैक और वाइट हो जाएगी। ये हो गया ये यहाँ पर दांतों का, अभी देखो टूथ, ये भी कितने गंदे दांत हो रहे हैं, जैसे ही हम इसको फिल्टर मारते हैं तो बिल्कुल वाइट हो जाते हैं। तो इसमें क्या, इस तरीके से आप देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है। मैनुअल सेटिंग करने के बाद में यहाँ से आप ओके कर दीजिए। चलो हम कोई दूसरी फ़ोटो लेते हैं और उसके ऊपर फिल्टरों की अप्लाई करते हैं। तो चलो हम ये वाली एक फ़ोटो ले लिया और इस फोटो के ऊपर हम टूल में आते हैं। तो टूल के अंदर आपको क्या है कि अलग अलग टूल मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं बुक की इफेक्ट की। अगर आपको बुक की इफेक्ट लगाना होता है तो यहाँ से आपको जो पीछे का बैकग्राउंड है ये ब्लर हो जाएगा और आपकी फ़ोटो दिख जाएगी। इसकी जितनी सेटिंग आप करना चाहते हो उतनी सेटिंग यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। या पर्सनली कोई चीज़ को आपको हाईलाइट करना है तो इरेजर पर आना है, और जैसे मान लो इस गाड़ी का ये लोगो लगा हुआ है टॉक्सिया ट्रेनिंग का, ये हटा सकते हो यहाँ से। जैसे DS टॉक्सिया ये नाम है आपको दिखाना है, या ये फूल पर थोड़ा आ गया तो इस फूल को प्रूफ आप करोगे तो ये क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस तरीके से मतलब यहाँ पर और भी सेटिंग कर सकते हो। चलो मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप क्रॉप कर सकते हो, इनका फिल्टर अलग अलग दे सकते हो। जैसे मान लो आपको इस तरह के फिल्टर चाहिए तो यहाँ पर क्या अलग अलग तरह के बहुत सारे फिल्टर है, कोई भी जो भी फिल्टर आपको अच्छा लगता है वो फिल्टर यहाँ पर आप इजीली आराम से यूज में ले सकते हो। चलो हम बैक करते हैं और यहाँ पर आपको क्या क्रॉप करने का, ब्लर करने का बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। चलो फिर हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। यहाँ पर है मेकअप टूल, तो मेकअप टूल के अंदर आपको क्या सारे मेकअप टूल की अलग अलग सारी टूल मिल जाती है, जो भी आपको मेकअप का यूज लेना है। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे फिल्टर है, इसके ऊपर सिंपल अप्लाई करोगे तो आपके चेहरे का क्या है कि जैसे मान लो कि आईब्रो, लिपस्टिक और इसकी आंखों का सारा सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे करके आप कर सकते हो।
और पर्सनली आपको करना है तो जो माई टूल के अंदर जो पेंसिल के निशान पर क्लिक करना है, तो यहाँ से आंखों का कर सकते हो, आईब्रो के अंदर कर सकते हो कितनी सेटिंग करनी है, कितनी क्या करनी है, यहाँ से ब्रश कर सकते हो और लिपस्टिक कर सकते हो। अभी देखो इसकी होठों की तरफ देखना, बिल्कुल रेड हो रहा है। अभी देखो ये इस तरीके से, तो इन पर क्या आप अलग अलग तरीके करके और उसके बाद में नीचे से डन कर दीजिए तो ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में है आगे ओरू फिल्टर। इस फिल्टर के अंदर भी आपको बहुत सारे अलग अलग फिल्टर मिलते हैं, जैसा फिल्टर आपको यूज लेना है हजारों फिल्टर इसके अंदर मौजूद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पर है अपना माई किट। माई किट के अंदर आपको क्या सेटिंग आती है, मैनेजमेंट करना होता है कि आपको कौन कौन से इसके अंदर सेट करने हैं। उसके बाद में है टूल। टूल के अंदर भी जितने सारे फंक्शन है वो मिल जाता है। यहाँ पर है मेकअप टूल, कौन कौन सी लेनी है। यहाँ पर है फिल्टर, बहुत सारे फिल्टर आप यहाँ से यूज में लेकर और नीचे से ओके कर दीजिए। और उसके बाद में लास्ट में आपको सेव करना होता है, तो ऊपरी ऊपर जो आपको तीर का निशान है इसके ऊपर सिंपल क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक आपकी फोन के अंदर सेव हो जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपका कोई सुझाव है तो नीचे जरूर कॉमेंट कीजिए ताकि आगे हम और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए बना सकें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, सी यू, बाय बाय।